बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शौहर को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा अंकल? वो तुम्हारी हर बात मानेगा। क्या? हाँ बेटा, भीगी बिल्ली बन जाएगा, भीगी बिल्ली। हाँ तो फिर मेरे मियाँ को भी सूखा बिल्ला बना दें जादूगर साहब। जादूगर नहीं, साइकोलॉजिस्ट। अंकल क्या सच मुझे ऐसा हो सकता है? अरे तुम मेरे टैलेंट पे शक कर रही हो बेटा? नहीं, लेकिन मुझे नबील के टैलेंट का पता है, वो इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। अरे तुम दोनों को बुलाओ तो फिर तुम देखना। नबील, ओ यार क्या हो गया, कोई इस घर में थोड़ी देर रिलैक्स होने नहीं देता। क्या बात है मोमो, क्यों बुला रही थी तुम? आपको हेपेटाइटिस करना है। ओ माँ जी, हिप्नोटाइज। हाँ भाई। वो किस लिए भाई? अरे भाई हिप्नोटाइज करने के बड़े फायदे होते हैं। मसलन? मसलन ये कि आप अपनी जवानी में वापस जा सकते हैं। अरे चले फिर शुरू करें। आओ नबील। अंकल हिप्नोटाइज से हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अंकल एक्चुअली कॉलेज के दौर में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, क्या मैं उसके घर जा सकता हूँ? व्हाट? अरे तुम बैठो तो, जहाँ तुम कहोगे मैं ले चलूंगा तुम्हें। अरे जानू तुम्हारे अंकल तो बड़े काम के निकले। वो जो ये निकले हैं वो बड़े काम के हैं। हाँ जी। आए फिर अंकल शुरू करें। यहाँ नहीं अंकल, वहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सीन हो गए हैं। तुम दोनों सो रहे हो? नहीं। बोलो नहीं यार, सिर्फ इसको देखो बस। ओहो मुझे चक्कर आ रहे हैं अंकल। वेरी गुड वेरी गुड, अब तुम दोनों सो चुके हो। देखा तुमने, ये दोनों मेरे काबू में आ चुके हैं। क्या हुक्म है मेरे आका? देखा, लेकिन आपने तो कहा था कि नबील मेरे काबू में आएगा। अरे हाँ भाई, जो तुम कहोगी वो ये करेंगे, भीगी बिल्ली बन करेंगे तुम्हारे सामने। अच्छा? हाँ हाँ, टेस्ट कर लो। नबील, नबील जानू हुक्म करो। अरे वाह माँ जी, माँ जी उठे। क्या हुआ है, क्या हुआ है? हमारे शौहर भीगी बिल्लियाँ बन गए हैं। आ? हाँ ना, हम जो भी बोलेंगे ये दोनों वही करेंगे। नबील उठो, पूरे घर की सफाई करो। ओके जानू। आप सारे घर के मैले कपड़े धोए, क्या बचे? ओके लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। ओके खुदा। ओके खुदा फेस। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। जी जमाल नहीं, कमाल। कौन कमाल? अरे वही कमाल जो जाते जाते जवाद अंकल करके चले गए, ये हमारे शोहरों को गुलाम बना दिया हमारा। हाँ पुत्र, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया, हमारी सारी ना वो खत्म हो गई। वो क्या? वो जो सर में होती है ना जुए। और जुए नहीं, वो जो जुओं की वजह से होती है। खुजली? और नहीं वो। माँ जी प्लीज यार टेंशन ना दे। हाँ हाँ हाँ, टेंशन, हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई। हाँ माँ जी, अब हम इन दोनों से घर के अंदर भी काम करवाएंगे और बाहर भी। ये तो अच्छा हो गया ना। नबील घर की सफाई हो गई? म्याऊ। हैं? आपने कपड़े धो लिए? म्याऊ। आप दोनों को क्या हो गया? म्याऊ। महमूद साहब? म्याऊ। पुत्र मुझे लगता है इन दोनों को बिल्ली ने काट लिया, ये दोनों बिल्ली बन गए। माँ जी वो जवाद अंकल ने कहा था ना कि हमारे शौहर को हिप्नोटाइज करके भीगी बिल्लियाँ बना देंगे। ओए होए, इसका मतलब है हमारे मियाँ जो हैं वो बिल्लियाँ बन गए। हाय हम उनसे बातें कैसे करेंगे, मुझे तो बिल्लियों की लैंग्वेज भी नहीं आती है। ओ दफा करें माँ जी, इनसे बात करके कौन सा हमारा दिल खुश हो जाना था, इनसे बस काम करवाएंगे हम और क्या। शाबाश। अरे मोटे वाले मनूस बिल्ले, जा जाके रात का खाना बनाओ। और नबील तुम सारे बर्तन चाट के, मेरा मतलब है धो के सो गए, उससे पहले नहीं।
चले माँ जी, अब शुरू होती है हमारी अय्याशी। होशा मशीन। चल पुत्र, इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, सुनो प्लेट साफ कर देना अच्छी तरह। चले माँ जी, चलो। शोहरों को माजी, अंकल तो वापस दुबई चले गए हैं। वो बेड़ा गरक हो गया, अब क्या करें? ये खूंखार बिल्ले तो हमको नोच नोच के खा जाएंगे। माजी मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर शाहिद को बुलाते हैं। और जिसको भी बुलाना है जल्दी बुलाओ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, बुलबुले वाली। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये प्लीज आप फौरन आ जाएं। क्या क्या हुआ? डॉक्टर साहब सुबह आएंगे। और तो हम रात कैसे गुजारेंगे? जाते हुए माँ जी। और हमारे मियाँ रात भर क्या करेंगे? कोलोन में चूहे पकड़ेंगे माँ जी। बदल गए भाई, इस बार ना अच्छे वाले शॉल लीजिएगा। हमने तुझे अपने शोहरों के इलाज के लिए बुलाया है। अरे अरे क्या हो गया भाई लोगों को? ये लोग बेहोश क्यों हो गए भाई? अरे भाई फिकर ना करें, इनके चेहरों पे पानी डालें ये होश में आ जाएंगे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे बेहोश नहीं हुए, सो रहे हैं। अरे भाई तो सोने दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओए हमारे मियाँ कुत्ते बन गए। क्या क्या बन गए? कुत्ते नहीं बिल्ली। ओह भाई मुझे कंफ्यूज ना करें, कुत्ते बने या बिल्ली बता दो। बिल्ली। लेकिन देखने में तो वैसे ही हैं। इनकी आवाज बिल्लियों जैसी हो गई है और हरकतें भी बिल्कुल। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? क्या किचन में पतीले में मुंह डाल के कब यू सारा दूध पी गए क्या? या बाल लॉन में बच्चे दे दिए इन लोगों ने? क्या किया है? ओह गॉड, अब मैं आपको कैसे समझाऊं डॉक्टर साहब?
पता इन दोनों को उठा देते हैं या आप ही समझा देंगे। हाँ ये ठीक है माँ जी। नबील नबील मस्ताओ आंखें खोले, आंखें खोले मस्ताओ, उठ भी जाए मस्ताओ। शाबाश भाई, ये तो वाकई सचमुच की बिल्लियाँ बन गए हैं। माँ तो तू क्या समझ रहा था ये प्लास्टिक की बिल्लियाँ बने? हमने इनके इलाज के लिए तो आपको बुलाया डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फैसला किया। अरे भाई मैं जानवरों का ही तो डॉक्टर हूँ। जानवर बोलने से ये लोग बुरा मानते हैं। कोई जानवर जानवर बोले तो बुरा मान जाते हैं। अरे भाई आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लोगों को एक एक इंजेक्शन लगाऊंगा, ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है वशे वशे। अच्छा चले जल्दी जल्दी करें, आप दोनों इन्हें पकड़े भाई, जल्दी से पकड़े। अच्छा और ये तो हमें काट रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, एक काम करें, पहले आप दोनों एक एक इंजेक्शन लगवा लें ताकि इन दोनों के काटने का आपको असर ना हो। ठीक है मैं इंजेक्शन ही लगवाऊंगी, मुझे दर्द होती है। दफा कर इसे, मुझे इंजेक्शन लगा दे। ये हुई ना बात, एक मिनट बस। चलो भाई अब इन दोनों की बारी, भाई इन दोनों को पकड़े जल्दी से पकड़े जल्दी से। अरे ये लोग तो मर गए। अरे नहीं भाई ये लोग अभी उठ जाएंगे। जानू मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? देखा देखा मैंने कहा था ना नॉर्मल हो गए ना। माँ जी देखे नबील और महमूद साहब ठीक हो गए हैं, उठे।